Dear students, now I am going to continue question number 26 for the same exercise 5.1. And question is here: find the value of k so that the function f is continuous at the indicated points. Fx is equal to k cos x by pi minus 2 x if x is not equal to pi by 2. 3 hai if x is equal to pi by 2. So first of all, we have to check at x is equal to pi by 2. So L H limit हम लोग लेके देखते हैं. क्वेश्चन में आप देखेंगे x is not equal to pi by 2. That means we have to take x less than pi by 2 and x greater than pi by 2, यानी pi by 2 से बड़ा और pi by 2 से छोटा लेना है. So L H limit पर जब काम करना है तो कैसे होगा? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम लेफ्ट, यही काम करते हैं. और f x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम लेफ्ट. और f x की जगह पर अब देखिए, जब नहीं है छोटा लेना है, यही लेना होगा, बड़ा में वही लेना है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. अब हमें ये भी जानते हैं कि पुटिंग क्या करते हैं हम लोग, x is equal to pi by 2 minus h as x tends to pi by 2 from left when h tends to 0. यहां तक तो हमको पता है. उसके बाद क्या करना होता है देखते हैं. Now limit h tends to 0, अब limit हमारा h tends to 0 हो गया. अब देखिए क्या करना है, k cos x की जगह पर pi by 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू, एक्स की जगह पर पाई बाय टू माइनस एच. इसको सॉल्व कर लीजिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा. लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और देखिए के है यहां पर, तो के को आप बाहर कर सकते हैं कांस्टेंट. और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा और ये साइन थीटा अपॉन पाई माइनस, इसको थोड़ा सा देखिए पाई यहां होगा, माइनस टू टू कैंसिल, माइनस पाई, अब ये माइनस माइनस प्लस एच, यानी हमारे पास अब क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये बाय टू कह सकते हैं, ये कैंसिल हो गया, सॉरी साइन टू एच है ना यहाँ पर, अब ना टू एच, तो के बाय इस टू को भी हम यहाँ लिख सकते हैं. और तब लिमिट आप लगाइए एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ हो गया साइन एच अपॉन h, इस 2 को मैंने यहां लिया. और यहां हम बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट जानते हैं, h टेंड्स टू 0 sin h / h इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. यहां तक हम आराम से जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट. सो ये क्या हो जाएगा, k / 2 * 1, सो k / 2 हो गया. अब हमें चेक करना है RHL लिमिट पर, तो RHL लिमिट पर चेक कीजिए तो क्या होता है, देखते हैं. RH लिमिट पर सेम काम करना होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम राइट, fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम राइट, और यही k cos x अपॉन पाई माइनस 2x लिखना होगा. फिर वही काम होता है कि पुटिंग x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h एज x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम राइट when h tends to 0. यहां तक में कोई दिक्कतदारी नहीं होता है. फिर हम लोग को क्या करना है कि now limit h tends to 0, h tends to 0 लेंगे, अब क्या हो जाएगा, k cos x के जगह पर pi by 2 plus h upon, यहां देखिए pi minus 2x के जगह पर pi by 2 plus h. फिर आप के बाहर यहां से कर लेते हैं, और इसके बाद आपको मिलने वाला है लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए cos 90 plus थीटा यानी माइनस साइन थीटा, सो माइनस साइन h अपॉन, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये तो काम खत्म है इसका पाई, और ये 2 2 कैंसिल, पाई ही मिलेगा, तो पाई पाई खत्म कैंसिल, और यहां माइनस 2h, यानी माइनस 2h मिल गया. अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि k बाय 2 बाहर निकाल लीजिए, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, और लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h
दैट मींस k / 2 * 1 = k / 2 आ गया। और अब हमें देखना है पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 पर क्या है 3l हमारे पास, तो आप चेक कर लीजिए यानी कि fx = 3 कब है जब यह पाई बाय 2 है, तो f पाई बाय 2 पर यह क्या हो गया 3 हो गया। और यह क्वेश्चन में है कि कंटीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि यह वैल्यू के तब निकलेगा जब यह क्या है कंटीन्यूअस है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कंटीन्यूअस पहले से है, तो हेंस LHL = RHL = क्या है f पाई बाय 2 = हमें प्राप्त है 3। सो LHL = RHL क्या मिला हमें k / 2 और ये 3, यहां f पाई बाय 2 = सो k = 6। सो कह सकते हैं कि हेंस fx इज कंटीन्यूअस एट k = 6 पर, ये क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस हो, यानी कि k का वैल्यू जब 6 होगा ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे, अपने से बनाएंगे, तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से हम लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फिर सेम पाई बाय 2 पर चेक करते हैं। क्वेश्चन यह भी आई भी है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, इसको हम लोग फिर से बनाएंगे अपने से घर पे, तब समझ में आएगा। वीडियो को वॉच करके थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम।